ये कलश आ गया, पूजा का सामान आ गया। तो गाइस फाइनली अगेन दशहरा से पहले पहुंच गया मैं अदरेसी ग्राउंड और झूले वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ। झूले स्टार्ट होने वाले, ऊपर लगता रावण बनना स्टार्ट हो गया शायद। तो गाइस हनुमान जी के दर्शन करो, ठीक है, और अंदर ही लेके चलता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी मल्होत्रा व्लॉग्स। सो गाइस टुडे इज फ्राइडे गाइस, टाइम हो गए हैं सुबह के 10 एंड गाइस आपको लेकर जा रहा हूँ अदरेसी ग्राउंड, मतलब दशहरा से पहले ही आपको अदरेसी ग्राउंड लेकर जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आने वाले हैं गणपति जी। तो वहाँ पे पहला महोत्सव गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वैसे तो कल है, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे गणपति महोत्सव और चलेंगे 17 तारीख तक। तो अभी फाइनली हमारे एरिया में भी गणपति जी फाइनली आने वाले हैं, तो आपको अदरेसी ग्राउंड लेके चलते हैं, वहाँ की रौनक दिखाते हैं, क्या वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं और कल आपको गणपति जी की फर्स्ट लुक दिखाएंगे। यहाँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय झूलों के। रावण स्टार्ट हो गया क्या? तो गाइस फाइनली अगेन दशहरा से पहले पहुंच गया मैं अदरेसी ग्राउंड और झूले वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ। झूले स्टार्ट होने वाले, ऊपर लगता रावण बनना स्टार्ट हो गया शायद। हाँ भाई रावण स्टार्ट हो गया, पूछ लेते हैं पहले गणपति जी का। यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ पे होगा प्रोग्राम। तो वहाँ पे महादेव जी, ये जो आपको घास फूस नज़र आ रही है सब क्लीन हो जाएगा यहाँ पे देखना। यहाँ पे गणपति जी कहाँ पे हैं। तो चलो आज हनुमान जी के भी दर्शन करा दे अदरेसी ग्राउंड वाले। आपको मैंने फ्लोर के दिखा दिए, वहाँ पे जगराऊ पुल पे दिखा दिए, अदरेसी के भी दिखा देते हैं आपको हनुमान जी। तो यहाँ तैयारी चल रही है, कल मतलब यहाँ पे सुबह 9 बजे पूजा आरंभ हो जाएगी। तो मैं ये देख रहा हूँ गणपति महोत्सव मनाया कहाँ जा रहा है, यहाँ अदरेसी ग्राउंड ही बोला गया है। तो गाइस हनुमान जी के दर्शन करो, ठीक है, और अंदर ही लेके चलता हूँ। वाह, संकट मोचन हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। पंडित जी गणपति महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? गणपति महोत्सव यहाँ पे, मूर्ति कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी मूर्ति। तो भाई ये एरिया में मूर्ति होगी गणपति जी की, यहीं पर बनाया, मुझे लगा ओपन में होगा, शायद ओपन में नहीं है, मंदिर के अंदर ही है, हनुमान जी के मंदिर के अंदर। तो मूर्ति अभी आई नहीं? मूर्ति आनी घंटे तक आएगी, घंटे तक आ जाएगी पक्का, वेट कर लिए। तो गाइस आपको गणपति की फर्स्ट लुक दिखा के जाते हैं, फर्स्ट लुक मतलब की कवर होगी दिख जाएगी पूजा कल होगी। तो फर्स्ट लुक शायद मुझे कल ही नज़र आएगी आपको भी। चलो 1 घंटा वेट कर लेते हैं मूर्ति की। यहाँ पे राम दरबार, गणेश जी, माता जी, जय हो। ओपन में होता है ना, चलो ओपन में भी गणपति जी तो यहाँ पे स्थापित हो ही जाएंगे। रश बहुत होगा कल गाइस, कल सुबह 9 बजे आएंगे जब पूजा होगी यहाँ पे।
तो गाइस मंदिर से आगे बाहर अभी यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो झूले आ गए, उसके बाद मैं जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं गया था, रावण जी बन रहे हैं वहाँ पे। शुरुआत तो हो गई है क्योंकि दशहरा को रह गया सिर्फ एक महीना रह गया गाइस। 10 तारीख को होगा प्रोग्राम, तो आ जाओ यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे ऐसे करके। अरे भाई, तो आपको दरेसी का टूर करवा देते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से छोटे छोटे झूले आ गए अभी, ये देखो ये है राम जी की कुटिया, ये मेरे महादेव की कुटिया शेषनाग। वहाँ पे ना डमरू के ऊपर शिवलिंग बनी है, देखो भाई ये है। तो वो रे भोलेनाथ, थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ आपको, ये है। यहाँ पे गाइस देखो झूले स्टार्ट होने वाले हैं। ये तो भाई झंडोल लग रहा है क्योंकि यहीं पर लगता है हमेशा झंडोल, वो जो घूमता है ना पूरा 360। भाई आ गए झूले सारे, कितने आए अभी? तीन आए, एक झंडोल आ गया, किश्ती आ गई। किश्ती कहाँ है भाई? ड्रैगन किश्ती दिखाता हूँ आपको, भाजो हो रही गाइस किश्ती, वो अभी जुड़ जाएगी, वो उसके ड्रैगन के मुंह देखो वहाँ पे, ड्रैगन का मुंह देखो। ये बड़े वाली है जो हमने ली, यहाँ पे ली थी, यहाँ पे हो गए, यहाँ जहाँ रखा हुआ वहीं पर लगेगी ये। भाई दशहरा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। चलो आपको अब छत पे लेके चलते हैं। मूर्ति बोल रहे हैं गाइस एक घंटा लग जाएगा, तो लुक तो नहीं दिखा पाऊंगा उनकी, लुक तो कल ही होगी जब पूजा होगी उनकी। वैसे लुक दिखा देनी चाहिए। तो यहाँ पे रात को बड़ी बारिश, उसके कारण सारा ख़राब हो गया ये। अभी दरेसी का माहौल देख लो गाइस, उसके बाद जब यहाँ रौनक होगी तब का माहौल देखेंगे। दरेसी रामलीला मैदान, जय शंकर। तो गाइस फाइनली यहाँ पे तैयारी चल रही है रावण आइडल की। भाई वो कहाँ है आगरे वाला भाई, खान नाम था उसका, सोहेल खान, सोहेल खान था शायद नाम, सोहेल। अब की कौन बना रहा है रावण? वो ही बना रहे हैं। कहाँ पे वो तो नहीं उनके चेले। तो गाइस ये देखो अभी आपको यहाँ पे लकड़ी दिखाई दे रही है, इसका रावण मेघनाथ कुंभकर्ण बनेगा। क्या हाल चाल है, ये क्या बन रहा है? कुंडल बनना है, लड़का कुंडल बनना है। ओके, तो अभी मतलब कब से स्टार्ट कर दिया काम? आठ तारीख से स्टार्ट हो गया है, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण बनेगा। आपकी कितने फुट का बन रहा है रावण? 125 फुट का। पिछली बार कितने फुट का था? 120। तो भाई अब की 5 फुट रावण की लंबाई बढ़ गई, ठीक है 5 फुट रावण की लंबाई बढ़ गई है। पिछले साल था 120 फुट का, अब है 125 फुट का। तो अभी तो चलो मैं आपको सिर्फ गणपति महोत्सव दिखाने के लिए आया था। गणपति जी का अभी मूर्ति है, गणपति जी की अभी मूर्ति आएगी वो दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि आपको चलो चलते चलते ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलो यहाँ का व्यू देख लो। चलो यहाँ से व्यू देख लो दरेसी का, वो हनुमान जी, वो राम जी की कुटिया, वो भोलेनाथ जी डमरू के ऊपर शिवलिंग, ऊपर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता वासुकी। भाई ये क्या चौमिन है, ये क्या चीज है? इससे बंदिश होती है। अच्छा अच्छा गाय, ये जो है ना आपको चौमिन जैसा नजर आ रहा है, इससे ये धागा है, ये आप खुद बना रहे हो मसाला लगा कर इस पे, इससे धागे में लगा मसाला नहीं है, लेटी है, लेटी लो गम वगैरह जिससे हम वो पोस्टर वगैरह चिपकाते हैं, जिससे हमने बचपन में कापियां वगैरह चिपकाई हैं।
कॉपीज वगैरह बहुत चिपकाई है। चलो गाइस ये तो वो है। सो गाइस ये है लेटी, मतलब कि गम लगा लो इससे धागा बनेगा, इसी मतलब कि सारा कुछ चिपक जाएगा जो भी चिपकाने वाली चीज़ें होगी। नीचे ही चलते हैं, हनुमान जी के मंदिर में बैठते हैं। चलो गाइस यहीं पर वेट कर लेते हैं हम। तो ये तो चलो मंदिर का ही सारा सामान है, ये कलश आ गया, पूजा का सामान आ गया। सो गाइस यहाँ पे हैं गणपति जी, माता काली और ये मेरे भोलेनाथ, और यहाँ पे शिवलिंग। और शिवरात्रि की जो मेन शोभा यात्रा होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, द्रेसी से। हमारे लुधियाना की सबसे बड़ी शोभा यात्रा शिवरात्रि पे होती है, चांदी का जो रथ होता है यहाँ से खींच कर लेकर जाते हैं और लेकर जाते हैं संगला वाले शिवाला तक। उसका ब्लॉग भी मैंने आपको दिखाया है। वाओ क्या मूर्त है, क्या डैशिंग पोज है भाई हनुमान जी का, हाथ में पहाड़। यहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो गया है, टाइमिंग इशू हो गई कि मुझे इनको भाई को जिन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आएगी एक घंटे में, लेकिन नहीं पता था मूर्ति आ रही है 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। तो मैं यहाँ पे 4 घंटे वेट कर रहूँगा, तो इससे अच्छा तो मैं घर ही जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का लंगर हॉल जहाँ पे भंडारा चलेगा वो दिखाता हूँ। तो ये मंदिर के बाहर आते ही यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो पहली बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी एंट्री गेट है भाई द्रेसी का, वो छोटा सा गेट है ना, आ जाओ। तो बारिश के कारण ना थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ 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 बहुत हो चुका है। तो भाई ये देखो यहाँ पे है लंगर हॉल, थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ है बारिश के कारण। तो ये आपको रात में दिखेगा नज़ारा, और जब ये यहाँ पे तैयारी हो जाएगी तो यहाँ पे लंगर हॉल है, 24 घंटे चलेगा। क्या होगा लंगर में भाई? साहब मिक्स सब्जी होती है, रायता होता, दाल होती है, ठीक है। चलो गाइस चलो, दशहरा का एंजॉय करने के लिए तो बस 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। यही 10-15 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे सभी झूले भाई, मतलब पहले शराब से स्टार्ट हो जाएंगे, नराते से, पहले नराते से। नहीं भाई पहले शराब ही। अच्छा हाँ जी मैं देखा, ये सभी आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक बार देख लो आप। 16 तारीख तक जितने प्रोग्राम होंगे, कोई 17 तारीख को विसर्जन होगा, तो 16 तारीख तक ये सब यहाँ पे आने वाले हैं। रोज आओ। तो 8 सितंबर को तो हमारे रामशनम द्रेसी ग्राउंड के जो भाई श्री दविंदर सूद जी हैं वो आएंगे, भाई श्री दविंदर सूद जी, ठीक है। उसके बाद मंगलवार को यहाँ पे संध्या सुंदरकांड का पाठ होता है हनुमान जी के मंदिर। तो गाइस व्लॉग को ये पर एंड करते हैं, 3 बजे अगर मेरा आना होगा तो मैं आपको लेकर आऊँगा, वरना आपको कल सुबह लेकर आऊँगा। फर्स्ट लुक सुबह ही देखने को मिलेगी गणपति जी की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय गणपति बप्पा।